हेलो एवरीवन, जब भी हम लोग हमारे घर में ऑफिस में कुछ डेकोर करते हैं तो स्पेशली हमारे वॉल्स के ऊपर, फ्लोर के ऊपर या जो सीलिंग्स पे लग रहा है उसका बहुत ध्यान देते हैं। कुछ ना कुछ हाइलाइटर जरूर यूज करते हैं, स्पेशली वॉल्स पे या फ्लोर पे। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इससे पता चलता है कि हमारा टेस्ट क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। और सीलिंग्स आप किस तरह की चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि आप प्लेन सीलिंग्स पसंद करते हैं या आप कुछ हाइलाइटर उसके ऊपर देना चाहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीलिंग हाइलाइटर के बारे में, मतलब कि स्ट्रेच सीलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेच सीलिंग को 1967 में यूरोप में इन्वेंट किया गया था और ये एक सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम होता है जिसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेरीमीटर ट्रैक्स, ये चारों तरफ लगाई जाती है जिसके ऊपर ये सिस्टम टिका होता है। उसके बाद सेकेंड होता है इसका फैब्रिक, मतलब कि एक फैब्रिक की पीवीसी का मेम्ब्रेन होता है जो कि 0.2 mm का फैब्रिक होता है जिसको ऐसे खींच कर स्ट्रेच करके पेरीमीटर ट्रैक्स में लगाया जाता है। और उसके बाद तीसरा होता है लाइट्स, लाइट्स सीलिंग के ऊपर लगाई जाती हैं जहाँ से ये डिफ्यूज होती है और फिर इसके बाद एक्चुअल में पूरा खेल स्टार्ट होता है। तो दोस्तों समझते हैं कि स्ट्रेच सीलिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है। जब हाई क्वालिटी लाइट्स बैकलिट फैब्रिक के ऊपर गिरती है तो ये लाइट्स डिफ्यूज़ होती है और डिफ्यूज़ होकर एक बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट क्रिएट होता है। कभी कभी इस फैब्रिक के ऊपर कुछ डिज़ाइंस बनी होती है जैसे क्लाउड्स के डिज़ाइन, जो भी हमें चाहिए, रात के आसमान के डिज़ाइन, या फिर उसके बाद हम बर्ड्स की डिज़ाइन ले सकते हैं, माउंटेन्स की डिज़ाइन, या बहुत सारे लोग इसे प्लेन भी प्रेफर करते हैं। तो कुछ ग्रेडियंट स्टाइल दे दिया, कुछ मार्बल्स इफेक्ट दे दिया आपने, गार्डन कुछ इफेक्ट दे दिया, तो जो भी आप देते हैं जैसे ही उसके ऊपर लाइट्स गिरती है तो एक बहुत ही सुंदर सा वो सिस्टम क्रिएट होता है। पूरा खेल इसी चीज़ का है, मज़ा इसी चीज़ का है। तो दोस्तों ये स्ट्रेच सीलिंग का फैब्रिक कैसे है, आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले तो आप मेक श्योर करें कि जो भी फैब्रिक आप ले रहे हो वो ब्रांडेड हो, क्योंकि ये फैब्रिक ज़्यादातर केसेस में वॉशेबल होता है, इम्परमीएबल होता है और वाटरप्रूफ होता है। इसके साथ साथ इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका टाइप किस तरह से बेस्ट होता है। मतलब आप मैट फिनिश ले सकते हैं, आप सैटन फिनिश ले सकते हैं, आप हाई ग्लॉस ले सकते हैं, आप परफोरेटेड फिनिश ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो आपकी सीलिंग को एक अलग अलग शेप्स में लगवा सकते हैं। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में लगवाएं, आप चाहे तो रेक्टेंगल में लगवाएं, ओवल में लगवाएं, सर्कुलर शेप में लगवाएं। तो ये क्या आपके डिज़ाइन में बेस्ट बैठता है, आपके रूम्स के हिसाब से क्या बेस्ट जाता है वो आप उसको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ये कहाँ यूज़ होता है, आजकल घरों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रेच सीलिंग, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में मैंने देखा है यूज़ होता है, जहाँ पे कीमियोथेरेपी मशीन्स लगी होती है या रेडियो एक्टिव मशीन्स लगी होती है तो वहाँ पे भी यूजेज होता है। होटल्स में मैंने इसका यूसेज काफ़ी देखा है, लॉबीज़ में, रिसेप्शन एरियाज़ में, तो काफ़ी सारी जगहों पर आजकल ये यूज़ हो रहा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर मैंने देखा है। तो स्ट्रेच सीलिंग इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजिंग हाइलाइटर। तो दोस्तों समझते हैं इस सेगमेंट में वो बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप स्ट्रेच सीलिंग करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप आपकी मौजूदा सीलिंग देखें कि वो किस तरह की है। अगर मौजूदा सीलिंग में कुछ पीओपी करी है तो देखिए कि उसमें 4 से 6 इंच की गैप छूटी है या नहीं, मतलब आपको 4 से 6 इंच का डेप्थ चाहिए एक्चुअली फ्रॉम द सीलिंग। अगर आप अभी सीलिंग करवा रहे हैं पीओपी की तो उसमें आपको 4 से 6 इंच फ्रॉम द टॉप टू बॉटम छोड़ना पड़ेगा। इसी में एक्चुअली आप चाहे तो बॉर्डर्स के ऊपर प्लाई लगवाएं, अगर लगी है तो अच्छा है, नहीं लगी है तो लगवा लें, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी ट्रैक्स इंस्टॉल होगी। अगर ऐसी सीलिंग नहीं है आपके पास तो आप चाहे तो प्लाई से उस सीलिंग को बनवा भी सकते हैं। लाइट्स आप ब्रांडेड यूज़ करें और हाई क्वालिटी की यूज़ करें, देखें कि इसके ऊपर वारंटी भी हो, क्योंकि आप बार बार स्ट्रेच सीलिंग को निकाल के उसकी लाइट चेंज करना, ये सब आप मगजमारी नहीं करना चाहेंगे, और जितनी अच्छी लाइट्स होगी उतना बेहतर आपको आउटपुट मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इमेज जो भी यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप सीलिंग के ऊपर कोई इमेज प्रिंट करवा रहे हैं तो वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन इमेज होना चाहिए। अगर इमेज का रेजोल्यूशन बराबर नहीं होगा तो आपकी जो भी इमेज होगी वो ब्लर हो जाएगी, फट के आएगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस भी एजेंसी से लगवा रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी लगाने वाले हैं वो प्रोफेशनल कारीगर ही आए आपके यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा, जो भी एजेंसी आप चूज़ कर रहे हैं, जिसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं स्ट्रेच सीलिंग का, वो इसको बराबर से आपको बाद में सर्विस प्रोवाइड कर सके। स्ट्रेच सीलिंग लगाने के बाद इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है इंडिया में, इसलिए बहुत कम एजेंसीज और बहुत कम कंपनीज इसके ऊपर काम फिलहाल कर रही है। समझते हैं मेंटेनेंस और वारंटी इस प्रोडक्ट की। वैसे तो ये मेंटेनेंस इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सीलिंग में ज़्यादातर लोग कोई हाथ लगाते नहीं है,
एंड इसमें सिर्फ अगर वारंटी की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज फैब्रिक के ऊपर 5 साल की वारंटी देती है, जबकि लाइट्स के ऊपर अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग तरह की वारंटी देते हैं। कुछ ब्रांड्स 2 साल की वारंटी देते हैं, कुछ ब्रांड्स 3 साल की वारंटी देते हैं। तो मेंटेनेंस वाइज या वारंटी वाइज ये प्रोडक्ट बहुत ही मेंटेनेंस फ्री है, लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो प्राइसिंग में ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया के किस रीजन में हैं और किस तरह के ब्रांड प्रेफर करते हैं, बट फिर भी एक मोटा मोटा अगर बात करें तो 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये स्क्वायर फीट, जिसमें इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड हो गया, ये एक बेहतर प्राइसिंग है स्ट्रेच सीलिंग के लिए। अगेन रिपीट करूंगा, 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये का एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है। इट कैन बी कि आपको 750 में मिल जाए, आपको 650 में मिल जाए, हो सकता है आपको 800 रुपये में भी पड़े। वापस से डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का शेप लेते हैं या क्या डिज़ाइन बनवाते हैं। तो दोस्तों ये सब था स्ट्रेच सीलिंग के बारे में। कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने स्ट्रेच सीलिंग आपके घर में लगवाई है या लगवाना चाहते हैं। तो और कुछ अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि अपना नया घर या ऑफिस बनवा रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अंटिल देन टेक केयर।